ऋषिवर का ध्यान तो उनकी इच्छा से ही टूटेगा। उचित है कि तुम प्रतीक्षा करो और मुझे अपने कार्य करने दो। माता, 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 जल लाने में मैं आपकी सहायता करूं? जिससे कि मैं उतने समय में ऋषिवर की कथा भी सुन सकूं। कदाचित ऋषिवर की कथा सुनने से ही कोई ऐसा उपाय मिल जाए जिससे कि मैं इन्हें ध्यान से उठाकर शीघ्र अतिशीघ्र अयोध्या लेकर जा सकूं। गंगे जय यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधि कुरु। गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधि कुरु। अब शीघ्र ही पूर्ण सज्जित किया जाए अश्व को। पुत्र राम, अब आपको सूर्य वंश के चिन्ह से अंकित जयपत्र को अश्व के मस्तक पर बांधना होगा। अश्व तो अब दिग्विजय यात्रा के लिए पूर्णतया सज्जित हो गया है, किंतु ऋषिवर च्यवन आने वाले हैं, इसलिए हवन आदि और आगे की विधि उनके अनुसार हो तो उचित है। किंतु यदि हनुमान महर्षि च्यवन को मनाने में असफल रहे तो कहीं उनकी प्रतीक्षा करते करते शुभ मुहूर्त का समय ना निकल जाए। हमने सदैव हनुमान पर विश्वास किया है और उन्होंने सदैव हमारे विश्वास की लाज रखी है। हनुमान आज भी असफल नहीं होंगे। तो तुम कथा सुनना चाहते हो? कहां से आरंभ करूं? कोई और भी है यहां हमारे आसपास? कहीं राक्षस निकुंभ तो नहीं यहां पहुंच गया? अवश्य ही ये च्यवन ऋषि के तप की ऊर्जा है जो इस क्षेत्र की रक्षा कर रही है। ऋषि, ऐसे ही नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें। और अधिक शक्ति का संचय करके आऊंगा मैं। हनुमान, प्रतीत हो रहा है कि तुम्हें आसपास किसी दुष्ट शक्ति का आभास हो रहा है। हाँ माता, कोई तो दुष्ट आत्मा है यहाँ। उसकी चिंता तुम मत करो हनुमान। ऋषिवर के तपोबल के प्रभाव से कोई भी दुष्ट आत्मा यहाँ नहीं आ सकती। तब तो ऋषिवर के विषय में जानना बहुत आवश्यक है मेरे लिए। कदाचित मेरी समस्या का हल वहीं से निकल आए। उचित है हनुमान। तो सुनो, बहुत समय पूर्व की बात है, ऋषिवर च्यवन कठोर तप में लीन थे। दिन बीते, मास बीते और फिर वर्ष। और इस प्रकार सहस्त्रों वर्ष उनका तप चलता रहा। समय के साथ ही उनके तप का तेज इतना अधिक बढ़ गया था कि उनके नेत्रों से प्रज्वलित ऊर्जा निकलने लगी। गहन ध्यान में लीन हो गए कि दीमकों ने अपनी बांबियां उनके चारों ओर बना ली। फिर भी उनकी तपस्या अनवरत चलती रही। उनके तप की तरंगे संपूर्ण वातावरण को प्रभावित कर रही थी।
उनके नेत्रों से निकलने वाली प्रज्वलित ऊर्जा बांबी के छिद्रों से बाहर निकलकर कौतूहल जगा रही थी। उन्हीं दिनों तीर्थ यात्रा पर अपनी पुत्री सुकन्या एवं सेना के साथ निकले हुए मनुपुत्र राजा शरयार्थी ने नर्मदा नदी के किनारे पड़ाव डाला। वहीं निकट के वन में ऋषि च्यवन तप में लीन थे। उनके तप की तरंगों के प्रभाव से आकृष्ट होकर सुकन्या अपनी सखियों के साथ उस ओर निकल पड़ी। शीघ्र ही राजकुमारी सुकन्या च्यवन ऋषि की देह पर बनी हुई बांबियों के निकट पहुंच गई और उनके दो छिद्रों से निकलते हुए प्रकाश को देखकर उसका कौतूहल और बढ़ गया। कितनी विचित्र है ये दीमकों की बांबी, और इन छिद्रों से निकलते हुए प्रकाश को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे इसके भीतर कोई प्रकाश पुंज हो। मैं देखती हूँ कि ये प्रकाश पुंज है क्या। सुकन्या को भय तो लग रहा था, किंतु कौतूहलवश उसने एक तीक्ष्ण तृण को उठाया और बांबी के निकट पहुंच गई। तीक्ष्ण तृण? ऐसा कौतूहल तो संकट का कारण बन सकता था माता। हाँ हनुमान, सत्य से अनभिज्ञ राजकुमारी सुकन्या ने कौतूहलवश उस तीक्ष्ण तृण को बांबी के छिद्र में झोंक दिया। माता, कौतूहल तो वैसे अच्छा है, क्योंकि कौतूहल ही नवीन ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रेरित करता है, किंतु कौतूहलवश असावधानी से किया गया कार्य कभी कभी घातक भी बन जाता है। हाँ हनुमान, जैसे ही उसने तृण बाहर निकाला उसे छिद्र से रक्त बहता हुआ दिखाई दिया। भयाक्रांत हो गई वो, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो ऐसी भूल कर बैठी है। तभी एक घायल ऋषिवर को बांबी से निकलते हुए देखकर भयभीत सुकन्या अपनी सखियों के संग वहाँ से भाग निकली। राजकुमारी सुकन्या, ये तो कोई ऋषि है, चलिए यहाँ से। ऋषिवर का क्रोध अपने चरम पर था। राजकुमारी सुकन्या, मेरी सैकड़ों वर्षों की तपस्या भंग कर दी तुमने, और ये संसार देखता रह गया। इस अपकृत्य का दंड तुम ही नहीं समस्त सृष्टि भोगेगी। नष्ट कर दूंगा मैं सब कुछ, कोई नहीं बचेगा मेरे कोप से। ये तो बहुत ही बुरा हुआ माता। ऋषिवर के क्रोध का ऐसा झंझावात उठा कि सृष्टि के पंचभूत तत्व भी असंतुलित हो उठे। वायु महाप्रचंड वेग से सब कुछ उड़ाने लगी। नदियों के जल ने भीषण रूप धारण कर लिया। स्वच्छ आकाश सहसा ही घने मेघों से छा गया। वेग की आंधियों ने श्वास लेना दुर्भर कर दिया था। अतः कोई गिरकर अचेत हो रहा था तो कोई प्रचंड वायु में उड़ रहा था। ये धूल भरी आंधी, सांस लेना भी कठिन हो रहा है। ऋषिवर के क्रोध से चहुं ओर विनाश लीला आरंभ हो गई। सुकन्या ने अपने पिता से जाकर सब कुछ बता दिया। स्तब्ध रह गए थे महाराज शरयाती। वायु के थपेड़ों में धूल भरी आंधियों का सामना करते हुए वे किसी प्रकार ऋषिवर के पास जा पहुंचे। क्षमा ऋषिवर, क्षमा। मेरी पुत्री के इस कृत्य के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अपने इस कोप को शांत कर लीजिए ऋषिवर, प्रकृति असंतुलित हो चुकी है। शांत हो जाइए ऋषिवर, शांत हो जाइए। महाराज शरयाती की क्षमा याचना का ऋषि के कोप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और उसे देखकर सुकन्या भी उनके चरणों में गिर पड़ी। सृष्टि में प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो रही है ऋषिवर, भूलवश हुए अपराध का इतना बड़ा दंड मत दीजिए सृष्टि को। भूलवश किया गया हो या जानते हुए, अपराध अपराध होता है।
और अपराधी को दंड मिलना चाहिए। तो मुझे दंड दीजिए, अपराध मुझसे हुआ है और मैं इसके प्रायश्चित के लिए प्रस्तुत हूँ। ऋषिवर, तुम करोगी प्रायश्चित? मेरे जीवन भर की तपस्या को भंग किया तुमने, तो आजीवन मेरी सेवा करने का प्रण लो, विवाह करो मुझसे। नहीं नहीं, मेरी पुत्री सुकुमारी है और आप? स्वीकार है मुझे, विवाह करूंगी मैं आपसे, सदैव आपकी सेवा का प्रण लेती हूं मैं, किंतु ये विनाश लीला अब रोक लीजिए। ये तो अनुचित था माता, फिर क्या हुआ? विवाह हुआ या नहीं? ये ध्वनि अवश्य ही कोई तो है यहां। विवाह हुआ हनुमान, सुकन्या अपने पति को इष्ट देव मानकर दिन रात उनकी सेवा में जुट गई। पतिव्रत धर्म का पालन, सदाचरण एवं वर्षों की अनवरत सेवा को देखकर एक दिन ऐसा भी आया जब ऋषिवर सुकन्या पर प्रसन्न हो गए। सुकन्या, तुमने श्रेष्ठ धर्म पालन एवं निस्वार्थ सेवा से मुझे प्रसन्न कर दिया, किंतु मुझे दुख है, मैंने तुम्हें ऐसा दंड दिया जो कोई भी सुकुमारी स्वीकार नहीं करती। तुम सुंदर तरुणी और मैं एक नेत्र वाला कृशकाय वृद्ध, किसी प्रकार मेरा नेत्र मुझे वापस मिल जाता, मेरी युवावस्था लौट आती, तो मैं तुम्हें वो सुख दे पाता जो तुमने मुझे अपनी सेवा से दिया है। ऐसा संभव है ऋषिवर? प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम माते। आप? मैं अश्विनी कुमार हूं ऋषिवर, पिताश्री सूर्यदेव और माता प्रभा का पुत्र। चिकित्सा विज्ञान एवं औषधीय शास्त्र से परिपूर्ण आयुर्वेद का विशेषज्ञ हूं मैं। मैं आपको ऐसी औषधि प्रदान कर सकता हूं जिससे आपका एक नेत्र एवं आपका यौवन लौट आएगा और आप मुझसे भी अधिक सुंदर और हृष्टपुष्ट दिखाई देने लगेंगे। किंतु प्रतिफल स्वरूप पहले आपको यज्ञ में अन्य देवताओं की भांति मेरे लिए भी हविष्य अर्पण करना होगा, जिससे कि मैं भी देवताओं की पंक्ति में बैठने का अधिकारी बन सकूं। अवश्य ही ये देवी सुकन्या के श्रेष्ठ धर्म पालन एवं ऋषिवर के तपोबल का परिणाम था, जो अश्विनी कुमार स्वतः ही उनकी सहायता के लिए प्रेरित हुए। फिर क्या हुआ माता? कर्म फल तो मिलता ही है अनुमान, ऋषिवर ने शीघ्र ही यज्ञ आरंभ कर दिया। किंतु जब यज्ञ अपनी चरम सीमा पर पहुंचने लगा, तो अश्विनी कुमार के नाम से आहुतियां पड़ती देखकर इंद्रदेव कुपित हो उठे और ऋषिवर को ऐसा करने से रोकने के लिए आ गए। ओम अश्विनी कुमाराय नमः। रुक जाइए ऋषिवर,
आप अश्विनी कुमार को हम देवताओं के समान अधिकार एवं पद कैसे दे सकते हैं? ओम अश्विनी कुमाराय नमः। यदि आप नहीं रुके ऋषिवर तो हमें बल प्रयोग करना पड़ेगा। ओम अश्विनी कुमाराय नमः। ओम अश्विनी कुमाराय नमः। आप ऐसे नहीं रुकेंगे ऋषिवर। नहीं ऋषिवर, रुक जाइए ऋषिवर। क्षमा ऋषिवर च्यवन, क्षमा। रोक लीजिए अपने कोप को। मैं वचन देता हूं कि आपकी इच्छा अनुसार अब से अश्विनी कुमार को हम देवताओं के समान ही वे सम्मान और भविष्य के अधिकारी होंगे। शांत हो जाइए ऋषिवर, क्षमा कर दीजिए इंद्रदेव जी को। आपने मुझे देवताओं के समान अधिकार दिलाए, आपको धन्यवाद ऋषिवर। अब आप ये औषधि स्वीकार कीजिए। इसके सेवन से आपकी दृष्टि लौट आएगी और आप पुनः युवावस्था को प्राप्त हो जाएंगे। और मैं ये घोषणा करता हूं, भविष्य में ये औषधि आपके नाम से ही प्रचलित होगी। च्यवनप्राश के ही नाम से सब इसे जानेंगे। तत्पश्चात उस औषधि के प्रभाव से ऋषिवर के नेत्र वापस आ गए और ऋषिवर एवं सुकन्या दोनों का यौवन पुनः वापस आ गया। मैं पहचान गया माता, आप ही राजकुमारी सुकन्या है ना? माता, आप दोनों की कथा से मुझे इतना तो ज्ञात हो गया है कि ऋषिवर मात्र शीघ्र कुपित ही नहीं होते अपितु वो भावुक भी हैं, न्याय भी करते हैं। हो सकता है इन्हीं सबके मध्य से ऋषिवर को ध्यान से जागृत करने का कोई उपाय निकल आए। हाँ हनुमान, लक्ष्य को ध्यान में रखकर निरंतर आगे बढ़ने वाला ही लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। माता, कथा सुनते सुनते हम यहाँ कब पहुँच गए, ज्ञात ही नहीं हुआ। अब मैं जल भर कर लाता हूँ। कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा है, कदाचित कोई वन्य जीव हो। See?
भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है माता, मैं संभाल लूंगा सिंह को। रुक जाओ हनुमान, जीव हिंसा ऋषिवर के सिद्धांतों के विपरीत है, विशेष रूप से वन जीवों की हिंसा के वो पूर्णता विरुद्ध है, इसलिए तुम्हें सिंह को आहत मत करना। ये स्त्री मेरा आहार है वानर, इसलिए मेरे मार्ग से हट जाओ, मैं बहुत भूखा हूँ। ऋषिवर च्यवन के सिद्धांतों के अनुसार मैं तुम्हें आहत नहीं करूंगा वनराज, किंतु तुम्हें माता को भी आहत नहीं करने दे सकता। हनुमान, मैं तो इस सिंह का स्वाभाविक आहार हूँ, इसलिए इसे रोकना उचित नहीं है, और यदि मेरी देह से किसी जीव की शुद्धा शांत होती है तो ये मेरा सौभाग्य ही होगा। यदि तुमने माता को आहार बना लिया तो ऋषिवर च्यवन की रक्षा कौन करेगा? उन्हीं के सिद्धांतों के कारण तुम सब वन्य जीव इस वन में सुरक्षित रहते हो, इसलिए उचित होगा कि तुम लौट जाओ। वानर, ये तो विधि का विधान है कि हम सिंह किसी को भी अपना आहार बना सकते हैं। यदि तुम स्त्री को बचाना चाहते हो तो उसके स्थान पर तुम्हें मेरा आहार बनना स्वीकार करना होगा। ये तो सत्य ही है कि ईश्वर ने सिंह को आखेट करके ही उदर पोषण का अधिकार दिया है। क्या सोच रहे हो वानर, मेरा आहार बनाओ अन्यथा मेरे मार्ग से हट जाओ। ये तो विचित्र दुविधा उत्पन्न हो गई है, यदि मैं स्वयं को प्रस्तुत करूं तो प्रभु का कार्य अपूर्ण रह जाएगा, और यदि मैंने सिंह का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो माता की रक्षा नहीं हो पाएगी। विकट परिस्थिति किसी भी व्यक्ति के जीवन में आ सकती है, किंतु ऐसे में उसे विवेक नहीं खोना चाहिए।